बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर भाई मुझे कमेंट करते हैं कि जैसा कि मैं आपको पता है जी, जद्दा टू लाहौर के लिए सफ़र कर चुका हूँ। अभी पाकिस्तान में मुझे डेड मामली हुआ है, तो मैं अभी ये पेपर निकाले हुए थे, आप देख रहे हैं, मैं अभी देख रहा था सब। मैं आपको ये पेपर अभी एक एक पेपर निकाल कर दिखा देता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी दे देता हूँ मैं। भाई बहुत से मुझे अभी भी कमेंट करते हैं कि भाई हम छुट्टी आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट के ऊपर हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। इसके मतलब मैंने बोला थोड़ी तफसील के साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ, तकरीबन आप भाइयों को इस एक ही वीडियो में तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको ये पेपर वगैरह जो भी हैं या ये इनके मतलब बताने से पहले एक चीज़ क्लियर करूँ, मैं ये मुकम्मल व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इसी वीडियो में पड़े हुए एक एक चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ वीडियो बनाकर एयरपोर्ट के ऊपर जो जो चीज़ें मैंने नोट की आपके साथ तमाम तर शेयर की, और आप भाइयों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रखा उन वीडियोज़ के ऊपर। आप भाइयों को मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छे किस्म की इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इस वीडियो में मिल जाएगी। बात यह है कि सफ़र करने से पहले एक दो चीज़ें जो इन पेपर में नहीं है वो क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है जी। सबसे पहले तो VPN के मतलब बात कर लें, जो सऊदी अरब में रहते हुए हम अक्सर WhatsApp यूज़ करते हुए VPN यूज़ करते हैं, या कोई भी किसी किस्म की आप 15 रियाल वाला 20 रियाल वाला पैकेज लगवा लिया उसके ऊपर VPN वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही VPN किस लिए यूज़ किया जाता है। मैं तो WhatsApp का ही नाम लूँगा और इसके अलावा जो भी वेबसाइट वगैरह इनके थ्रू ओपन की जाती है। तो बहरहाल इसके मतलब एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी किसी किस्म की पूछगुछ नहीं होती है, आपके नाम के ऊपर चाहे सिम हो आपने उसके ऊपर ही VPN क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसके मतलब पूछगुछ नहीं की जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। और अगर कोई बंदा आपके साथ ऐसे अफवाह फैला रखा है, यानी कि वो एयरपोर्ट के ऊपर पूछ लेते हैं जी कि नाम के ऊपर सिम हो तो ये है वो वहाँ पर पे करें, वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे साथ जिस मेरे दोस्त ने सफ़र किया, STC वालों की तरफ से उसके ऊपर 650 रियाल के फतूरे थे, जो बिल था उसके DP लगी होती है जो घर के बाहर फाइबर वाली, तो वो भी नहीं देने पड़ेगी। हमने पहले भी नहीं दिए थे, वो उसके नाम के ऊपर किसी और ने लगवाई थी, उसने नहीं लगवाई थी, तो बहरहाल उसने क्लेम भी किया था, वो बाद में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसने उससे वो भी नहीं पूछेगा, ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा मोबाइल कितने लेकर जा रखे हैं ये भी नहीं पूछा जाता है, गोल्ड कितना लेकर जा रखे हैं ये भी नहीं पूछा जाता है, रियाल कितने हैं ये भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, 60,000 के अराउंड में आपके पास रकम होनी चाहिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसमें मोबाइल भी आपके कास्ट होंगे, उसमें आपका जेवर भी कास्ट होगा, जो भी गोल्ड वगैरह की चीज़ है वो तमाम तर चीज़ें उसी 60,000 में कास्ट होगी, यानी कि 60,000 तक की आपके पास मालियत होनी चाहिए। अभी मैं ये पासपोर्ट आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने अंदर से ये मुझे टोकन मिला है जी, आप यही देख लें, ये वेलफेयर का टोकन है जी। आपको पता ही, आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर कर चुका हूँ जद्दा सफारा से जाकर बहुत से मसाइल को लेकर, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। मजीद आपको किसी और मसले के मतलब पूछना हो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो वेलफेयर का टोकन एक मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है, जाता था मैं वेलफेयर सेक्शन में जहाँ पर इकामा एक्सपायर हो और पेपर जमा करवाए जाते हैं, और उसके अलावा हरूप वालों के जो पेपर जमा करवाए जाते हैं 5 नंबर में, और इसके अलावा पासपोर्ट रिन्यू वगैरह या कुछ दोस्त जद्दा में रहते हैं उनके साथ चला गया, या खुद से ऐसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चला जाता था, फ्री बैठा हुआ था जद्दा में मैं। तो अभी बाद में गसर सलाम में मैं लग गया, वो भी आपको बताया, मैं वहाँ पर काम का सिलसिला मेरा चला 1.5-2 माह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे पैसे कमाए, वो कैसे कमाए इंशाल्लाह ताला एक वीडियो में अल्लाह ताला से शेयर करूंगा कितने कमाए मैं। पासपोर्ट आपको पास आपके पास आपको वैलिड होना चाहिए, बस वही है जी, मेरे पास भी आपको बता दूँ मैं, पासपोर्ट की डेट हो ये क्लियर कर दूँ आपका। जो एक चीज़ के ऊपर नज़र रखिएगा वो ये है कि आपने जब खासकर पासपोर्ट न्यू बनाया हो, तो ये दो पासपोर्ट हैं जी, देख लें आप, ठीक है, ये सरीन एयरलाइन की मेरी नीचे गिर गई है जी, देख लें आप, जिसके थ्रू मैंने सफ़र किया है। तो बहरहाल पासपोर्ट अगर पुराना भी साथ इसमें रखें, और अफसर में आप अपने जाकर अपना पासपोर्ट का नंबर चेक करें, वहाँ पर जो नंबर इंदराज है अफसर के अंदर आपका, वो क्या पुराने पासपोर्ट का इंदराज है या न्यू का है। जैसा कि आखिर में एक फिगर चेंज होता है जी, पुराने के ऊपर होगा ना अगर 902 तो न्यू के ऊपर 903 लिखा होगा, एक लास्ट वाला फिगर चेंज होगा, वहां पर आपका न्यू पासपोर्ट का भाई वो जो है नंबर वो लिखा होना चाहिए, यानी कि 902 नहीं लिखा होना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में 902 शो हो रखा है तो कंफर्म बात है कि आपको भाई नकल मालूमात करवानी पड़ेगी। और अगर नकल मालूमात के मतलब बात करें, मैं एक वह सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होती जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर चीज के मतलब। अगर नकल मालूमात के मतलब बात कर लें, तो आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो 200 से 250 रियाल लगेगा, और अगर नहीं है तो 1000 रियाल अपनी जेब में रखिएगा, ये क्लियर कर रहा हूं। मजीद आप किसी मकतब वाले से इंफॉर्मेशन ले लें, आपको वो अच्छे से गाइड कर देगा,
जो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। ये तो हो गया पासपोर्ट वाला क्लियर बात। छुट्टी वगैरह जो भी है जी, वो आपको इसके मतलब क्या मैं अभी बताऊंगा, आपको पता है जी, आप कफील है कफील से लगवा लेते हैं, कंपनी वगैरह कंपनी से लगवा लेते हैं। टिकट के मतलब है जी, टिकटें मैंने आपके साथ बहुत सी वीडियो शेयर कर दी थी लाइव। अभी एक दोस्त है जी वहाँ बड़ी मार्क में बैठा हुआ, अभी आ रहा है कुछ दिनों में, तो मैं उसको बोला है कि जो टिकट वगैरह तो खरीद रहा है, कितने की खरीद रहा है मुझे सब बताना, मैं आपके साथ लाइव क्या एक वीडियो शेयर करूंगा इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं जड्डा टू एंड लाहौर के लिए, मुख्तलिफ एयरलाइन के हिसाब से वीडियो शेयर कर दूंगा। मैंने जो टिकट खरीदी वो आपको पता है जी सरीन एयरलाइन की खरीदी थी। इसके मतलब बता दूं आपको थोड़ा सा, इसी वीडियो में ये मैंने 450 रियाल की ली थी और 450 रियाल की सिर्फ, और हालांकि मेरी सलाह थी वाई दुबई के साथ एमरेट्स के थ्रू आपको थोड़ा घुमाता फिराता हूँ, लेकिन एमरेट्स भाई 1200 पर पहुंच चुकी थी और ये 450 में मिल रही थी और एमरेट्स में 1200 पर वजन आ रहा था 50-55 किलो और इसमें मैं आपको पता ही 80 किलो लेके आया हूँ। तो ये टिकट ले ली, उसके बाद जब हम एयरपोर्ट के ऊपर आए वहाँ जो पाकिस्तानी मुझे मिले उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपकी वीडियो देखकर टिकट ली है, कुछ ऐसे दोस्त अहबाब भी मिले। तो मैंने बोला शुक्रिया, अभी चलो एयरलाइन को फायदा होगा, चलो मुझको तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बोलते हैं अगर लेट होगी तो तू जिम्मेदार है। मैंने बोला इंशाल्लाह लेट नहीं होगी, तो लेट नहीं हुई थी, बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर आई, आपके साथ मुकम्मल ब्लॉग शेयर किया था। उन बंदों ने 550 की टिकट ली थी, यानी कि 100 रियाल मिस महंगी ली थी, और मैंने जब बुक करवाई थी, मैं आपको पता ही यूज करता हूँ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम वगैरह, वहां पर मैंने जब जैसे ही ऐड देखे हैं इनकी शेड्यूल जारी हुआ है जड्डा टू लाहौर के लिए, तो मैंने उसी टाइम जाकर एक एजेंट से बुक करवा ली थी और हमें इसलिए ये आप वो पहले टाइम में 450 में मिली, उसके बाद यही टिकट 550 की हो गई थी। छुट्टी वगैरह के मतलब जो भी है जी, उसके मतलब आपको क्लियर मैं कर चुका हूँ। आप अपनी छुट्टी वगैरह जो भी लगवाते हैं पेपर निकाल लेते हैं, आपको बताता हूँ मैं पेपर क्या है। आपको एक तो आप छुट्टी लगवा लें अपनी, या आपका छुट्टी का पेपर है, या आप थ्रू जा रखे हैं, जो भी है जी आपका पेपर आपके पास होना चाहिए। अभी तो हरूब वाले का आपको पता है शमीसी के थ्रू आ रखे हैं, आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं, उसके बाद उनको मैसेज आ जाता है खरूज का और वो अपनी टिकट लेकर घर आ रखे हैं। और एक दोस्त मैंने ऐसा भी देखा कि बोल रहा था मैंने अभी जाना ही नहीं है 2-4 साल और अचानक हरूब था, अचानक चला गया शमीसी, तो वहां पर उन लोगों ने उसके फिंगर ले लिए और उसको घर आया और 2 बजे मैसेज आ गया, 10-11 बजे घर पहुंचा, 2 बजे मैसेज आ गया और उसने उसी दिन गया है एजेंट के पास, उससे आगे वाले दिन की 12 बजे की टिकट लेके आ गया है 300 रियाल में, उसमें सामान कम था। ये था आपको पता टिकट कितनी सस्ती चली है, मैं आपको मुकम्मल बताता भी रहा हूँ उस टाइम। तो वो भाई घर आ गया 2 दिन में। हरूब वालों को मतलब ऐसे भी आ रखे हैं, बहरहाल हरूब छुट्टी वगैरह आप पेपर आपके पास होगा वो तो आपको पता है जी। उसके बाद आपको ये एयरपोर्ट चाहिए जी, ट्रक्कल एयरपोर्ट है, इसमें आपकी तीनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, तीनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें ये होगा कि आपको पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, क्लियर कर बार आपके साथ कर रहा हूँ मैं, अगर 2 डोज लगी है तो आपको पीसीआर टेस्ट साथ में करवाना पड़ेगा जो कि 150 रियाल का 120 रियाल का होता है और आपको रिपोर्ट वो साथ रखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मेरे पास एक और रिपोर्ट है जी और ये सेहती की है, आप देख रहे हैं ठीक है, सेफ्टी की रिपोर्ट है। हुआ कुछ यूं कि जब मेरी सेफ्टी ओपन नहीं हो रही थी लास्ट नाइट और 2 बजे की नहीं सुबह 7:30 बजे की फ्लाइट थी, 2 बजे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच रहा था और सेफ्टी ओपन नहीं हो रही है, रात 10 बजे रूम में बैठे हुए हैं, तो कल वाली रिपोर्ट मैंने निकलवा कर पहले रखी हुई थी, मैंने बोला सेफ्टी ओपन करती है, दोस्त मुझे बोल रहा है इसकी जरूरत नहीं है रहने दे, वो एजेंट भी मुझे बोल रहा है जिससे टिकट लिया, मैंने फिर भी यार एहतियाती तौर पर वो ओपन हो गई वो आधे घंटे बाद, तो मैंने बोला एक निकलवा लूँ बेस्ट ये निकलवा ली, और ऐसा ही हुआ एयरपोर्ट के ऊपर बोर्डिंग के ऊपर उन्होंने मेरी दोनों चेक की, कुछ पाकिस्तानियों की नहीं ओपन हो रखी थी, मुझसे वाईफाई लेकर उन लोगों ने अपनी तवक्कल ओपन करके उनको दिखवाई तो उनकी जान छूटी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एयरपोर्ट के ऊपर ये दिखाना लाजम होंगे। उसके अलावा वजन के मतलब क्लियर कर दूँ आपका, अगर 70 किलो वजन लिखा है 50 किलो वजन लिखा है तो 49 किलो लाइएगा, 1 किलो कम लाइएगा, ज्यादा मत कीजिएगा। अगर मेरा 1 किलो ज्यादा था, 70 किलो के बैग थे, 71 किलो हुआ तो उन लोगों ने मैं उसकी मिन्नत समाजत की तो फिर उसने मेरा 1 किलो जाने दिया। मेरे साथ दोस्त के 2 किलो ज्यादा था, उसका उन्होंने 2 किलो के बोला निकाल दो, एक आयरन इस्त्री फिर यूजेबल थी वो निकालकर हमने वहां पर रखी, लेकिन वहां पर आप जमजम की बोतलें निकलवा कर रखी हुई थी, आप जमजम की बोतल किसी भी बोतल वगैरह में मत डालकर लाइएगा, ये भी क्लियर कर दूं, वो निकाल देते हैं। एयरपोर्ट से मिल ही नहीं रहा है, ना ही हम लाए हैं, वो भी वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ मैं मुकम्मल शेयर कर चुका हूँ। आप जमजम वाला सिस्टम जो है वहां पर लैदर से जहां से हम लेते हैं 20 रियाल की वो बंद पड़ा हुआ है, तो आप जमजम भाई कोई बैग में डालकर लाया था उसकी वो बोतलें उसने निकाल दी, हमने 1.5 लीटर वाली एक उठा ली, वो पीते रहे एयरपोर्ट के ऊपर, मैंने बोला पीने के मतलब कौन पूछेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैंने बोला आपको दे दूँ एयरपोर्ट के मुतल्लिक, कागजात के मुतल्लिक, और इसके अलावा टिकट या छुट्टी वगैरह के मुतल्लिक आप बखूबी जानते हैं। मजीद आपको कोई भी किसी किस्म की इसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए एयरपोर्ट के ऊपर आप जा रहे हैं आ रहे हैं यानी कि छुट्टी वगैरह के मुतल्लिक, तो आपको वहां पर क्या कुछ पूछा जा सकता है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके मुतल्लिक भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए।